अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और बकरा ईद की तैयारियाँ चल रही हैं हमारे घर में, तो आप लोग बताएं आपके घर में क्या क्या तैयारी चल रही है। हाँ, गाय हमारी आएगी और बकरा आएगा, वो ईद से 2-3 दिन पहले ही आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो बारिश और तूफ़ान का भी कुछ सिलसिला है। लेकिन हमेशा ही ऐसे जाता है कि 3-4 दिन पहले ही हम लेके आते हैं। और मगर मेरे पास अनस्टिच कपड़ा पड़ा था, वो तो मैंने आपके एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बता दिया था कि टेलर को मैं वो दे के आ गई हूँ स्टिच होने के लिए, और फिर शॉपिंग और भी करनी थी तो उसके लिए फिर अब आज जो है मैं मॉल जा रही हूँ, कुछ चीज़ें लेनी हैं, कुछ शॉपिंग करनी है। बहनों को मैंने कह दिया जल्दी से तैयार हो जाओ, और मैंने भी बस जाके ड्रेस चेंज करना है और फिर हम जाएंगे मॉल और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। एक्चुअली मुझे एक जूसर मशीन भी लेनी है, क्योंकि वो मिल्क शेक बनाना है, मैंगो शेक, मैंगो की पेटी मैं लेके आई थी, तो वो मैंगो जो है ना इतने मज़े के नहीं थे, तो ज़ाहिर वो मिल्क शेक में काम आ जाएंगे। अब मैंगो शेक बनाना था और यहाँ वोल्टेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो मशीन कहते हैं वो ख़राब हो गई, तो वो भी लेनी है, कुछ चीज़ें लेनी हैं, कुछ स्टिच ड्रेसेस लूँगी, देखूँगी क्या है, क्या नई वैरायटी आई है। तो बस मॉल जाना है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद अब हम खाना खाने के लिए आ गए हैं, और ये हमारी सोसाइटी है जहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत से जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हैं, तो हमने सोचा आज हम यहीं खाएं। तो हमने ये बस कुछ बर्गर, कुछ ब्रोस्ट और पिज़्ज़ा जो है ना हमने ऑर्डर किया और अपना डिनर इंजॉय किया। आओ खाओगी, ले लो प्राइस ले लो। अरे क्या लेने आई हो? खाना हमने खा लिया, इतना खूबसूरत माशाल्लाह मौसम हो रहा है और हम समोसे लेने जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मरियम को क्या चाहिए, समोसे और जलेबियाँ? समोसे। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे ना बहुत रेस्टोरेंट बने वहाँ पे। हाँ नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ही बने, लेकिन इस साइड पे ना ये छोटे छोटे से कैबिन में इन्होंने बना के ना उसके अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज, फास्ट फूड भी है, बारबेक्यू भी, सारा है, सबका अलग अलग है। हाँ और मैं
ये देखो हम बाहर खड़े हैं और गेट नहीं खोल रहे हैं। लोग कह रहे कौन है आप लोग? हम लोग सिंगल हैं। खुल गया। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कराची का मौसम हो रहा है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है और कभी हल्की बारिश होती है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तूफ़ान का ख़तरा था और एक डर बैठा हुआ था, मीडिया पे तरह तरह की खबरें चल रही थी, तो शुक्र है वो सब ख़त्म हुआ है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। जो अल्लाह करते हैं वो बेहतर करते हैं। और जहाँ भी अभी भी तूफ़ान का ख़तरा है, जैसे गुजरात का सुन रहे हैं, तो अल्लाह पाक वहाँ पर भी करम करे, सब पे अपनी रहमत का साया रखे, सबको अपनी हिफाजत भी रखे। और बस मज़ा आ रहा है कराची के वैसे मौसम को एंजॉय करना। तो भाई बारिश हो और मौसम इतना अच्छा हो, खूबसूरत हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश हो और पकौड़े ना बने। तो जी हमारे घर में पकौड़े भी बन रहे हैं और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू भी कट कर रही हैं, वो कर रही हैं मैडम मरियम, तो जो उनको खाने हैं फ्रेंच फ्राइज़, तो इसकी तैयारी चल रही है। ये देखें। ओहो ये इतने सारे आलू हैं भैया, सबके सब ये भी कट करने हैं ना, क्योंकि वो हसन भी खाएगा। नहीं अंदर कट हो अंदर, वो उसके पकौड़े के हैं। आर्या सो रही है, उठ गई, एक सेकंड में उठ के देखती है। आर्या को नींद आ रही है। ओ मरियम कितना काम कर रही है यार। कितना काम करेगी मरियम नहीं, क्योंकि मौसम नहीं है, मतलब ऐसे ही आएंगी, ये टेस्ट खराब करते हैं। चाइनीज बनेगा और गाजरें अच्छी नहीं आई हैं तो जी, और टेस्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज, पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो क्या गाजर की जगह क्या डलेगा? कुछ भी नहीं डलेगा, मेरा हाथ का जायका जरूर देगा। जैसे मैं अभी दही बड़े में जो है ना, मैं वो चीजें डाल रही थी थोड़ी तेरी वहां, तुमने कहा था मेरे हाथ की, तो मेरे हाथ के जायके की बात लगा। यहाँ दही बड़े भी बनने स्टार्ट हो गए। मतलब बारिश इसलिए हो रही है कि यहाँ पे पकौड़े दही बड़े और बिल्कुल। बारिश का मतलब ही पकौड़े होता है। और यहाँ आर्या की डिनर भी तैयार है जी, या नहीं, यहाँ आर्या का खाना तैयार है, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। 6 बजे खाती ना आर्या खाना? 6 बजे उसको। अरे भाई मौसम खराब होगा तो फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आर्या क्या खा रही है? गाजर? आर्या लो, आर्या की गाजर ले लो। हमने कल भी मौसम चूंकि अच्छा था तो हमने समोसे और जलेबी खाए, लेकिन आज भी जबकि दही बड़े पकौड़े बन रहे हैं, मगर फिर आज भी समोसे आ ही गए, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे जा रहे हैं दुबई, और जो मेरा बहनोई है ना, वो ना ये चीज़ें खाता है और वो ना इन सबको ये चीज़ें खाने देता है, तो उन्हें पता है कि 2 महीने हमने ये सब कुछ नहीं खाना है,
तो अभी वो यहाँ से सब खा के जा रहे हैं, तो मैं समोसे निकालती हूँ। यहाँ पे दही बड़ों का पका तैयार हो रहा है, फ्रेंच फ्राइज यहाँ तैयार हो चुकी हैं। मरियम को बहुत भूख लग रही है, जल्दी ले आओ भाई। बस बस बारिश खत्म, पार्टी शुरू। स्लीपी है ना? समोसे तो हम ले आए हैं, फिर क्या रह गया है? समोसे, दही बड़े, फ्रेंच फ्राइज, जलेबी आज नहीं लाए, वो तो कल थी। केक रह गया, केक। मीठा कौन खाएगा? केक अभी तो मेरे पास है, छोड़ दो भैया। केक खाओगे क्या? इमली, इमली की चटनी। ये प्लेट में निकाल देती तो ले कर खाइए। फ्राइज मरियम की, ये मरियम के। चलो जी, मेरी हो गई प्लेट तैयार और मैं ये खा रही हूँ। ये यहाँ रात के खाने की तैयारी हो रही है और ये बन रहा है चाइनीज और यहाँ बन रहा है कस्टर्ड। बहुत तारीफें करेंगे तुम लोग को, अंदर से शर्म भी हो रही है। नहीं नहीं चलाते रहो, एकदम गाढ़ा होता है, पता नहीं चलता कितना। अरे एक तो जुम्मा जुम्मा चार दिन है। ओफो, एक दो कस्टर्ड के बना लिए, इसके नखरे तो देखो जरा, जैसे पूरा कोई शेफ है। हाँ। सारा हाँ, हाँ तो एकदम होता है ये। सूटकेस एक इधर भी है। निया आप कहाँ जा रहे हैं? दुबई। डैडी के पास? जी। बस अब मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। आज बहन को छोड़ने इसलिए आई, थोड़ा सा दिल भी हो रहा था क्योंकि उसके एक सर्जरी है तो छोटी सी सर्जरी, लेकिन जाहिर है परेशानी तो होती है। और वहाँ दुबई में होगी, अकेली होगी। हाँ, ये कि माशाल्लाह हस्बैंड है, बच्चे ख्याल रखेंगे, यही समझा रही थी बच्चों को, क्योंकि इतने उनको बच्चों को इतने लाड़ से उसने पाला है कि वो सारा हर चीज़ सब बच्चों का खुद ही करती है। तो इस बार हमने समझा के भेजा है बच्चों को कि अब मम्मा का ख्याल रखना है, क्योंकि मम्मा ने अभी कुछ महीने जो है ना रेस्ट करना है। तो बस अल्लाह पाक सब खैर खैरियत से वहाँ पहुँच जाए, खैर खैरियत से सर्जरी हो जाए, अल्लाह पाक बस सेहत के साथ ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पर सलामत रखे। तो आप लोग भी बस दुआ कीजिएगा। तो बस यही है, तो ड्रॉप कर दिया है उसको और अब मैं घर जाऊंगी। और जो तूफ़ान आना था, जो बारिश होनी थी, वो सब ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तूफ़ान भी नहीं आ रहा, लेकिन बारिशों का तो बहुत इंतज़ार था, तो अब बारिश भी नहीं हो रही है। तो बस ये कि सब अपना ख्याल रखें और बस सब पाकिस्तान के लिए और सब जहाँ जहाँ सब लोग हैं सबके लिए बहुत सारी दुआएँ, सब अल्लाह पाक सबको ही अपनी जुबान में रखे। आपने